एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर ये वीडियो आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल होती है तो। और अगर हेल्पफुल होगी तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी प्लीज मत करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी भी और आगे जाके वीडियोस आएंगी भी ऐसी ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स वैरायटी और स्पीसीज इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब किन्हीं दो डिफरेंट प्लांट की वैरायटी के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज होते हैं और वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, उसको कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जब डिफरेंट प्लांट की वैरायटीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज करते हैं, हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, उसको कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कुछ इसके स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिजायर्ड स्पीसीज और वैरायटी। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स। फोर्थ वन इज कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल्स एंड फिफ्थ वन इज रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। ये पांच स्टेप होते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू था कि ये पांच स्टेप होते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ई सी कुकिंग ने इस पर काम किया था। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, जब हम टिश्यू सेल्स में से जो हम प्लांट टिश्यूज हैं उसमें से हम प्रोटोप्लास्ट को हटा देते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू, उसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ये दो तरह के मेथड है इसमें, मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम प्लांट टिश्यू लेंगे सबसे पहले, फिर उसका सेल प्लाज्मोलाइसिस कराएंगे। जब हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर लूज कर देती है सेल, तो उसको कहते हैं सेल प्लाज्मोलाइसिस। फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, सेल को, सेल वॉल को नाइफ से कट कर देंगे, फिर प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा। प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये रिलीज हो जाएगा और फिर हम उस प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेंगे। ये था मैकेनिकल मेथड। अब आएगा हमारा एंजाइमेटिक मेथड। एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी प्लांट टिश्यू में से उसका प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कर लेते हैं। दो मेथड है, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या है, प्लांट टिश्यू लेंगे, उसमें फिर सेल प्लाज्मोलाइसिस करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसकी सेल वॉल को कट करेंगे चाकू की हेल्प से, फिर उसका प्रोटोप्लाज्म उससे रिलीज कर देंगे, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और फिर उस प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेंगे। ये था हमारा मैकेनिकल मेथड। अब है एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड में क्या है, ये है एंजाइमेटिक मेथड। इसमें क्या है, लीफ को स्टरलाइज करेंगे, जो माइक्रोब्स लीव्स पर होती है उसकी सरफेस को साफ करेंगे, रिमूव कर देंगे उसकी एपिडर्मिस को, फिर क्या होगा, वे क्या हो जाएंगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में पेक्टिनेज और सेलुलोज को दोनों को साथ में कंबाइन करके इस एंजाइम को यूज करेंगे, तो प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाएगा। इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में इन्होंने पहले पेक्टिनेज डाला तो आइसोलेटेड सेल को रिलीज किया, फिर उसमें सेलुलोज डाला तब जाके उसमें प्रोटोप्लास्ट रिलीज हुआ और फिर हमारी आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो है वो निकल कर आती है। ये था एंजाइमेटिक मेथड। पहले लीफ को स्टरलाइज करेंगे, एपिडर्मिस को रिमूव करेंगे, फिर प्रोटोप्लास्ट
प्लाज्मोलाइट सेल मिल जाएंगी हमें, फिर इसमें पैक्टिनोज पैक्टिनेज और सेलुलोज दोनों को मिलाएंगे एक साथ ही, तो प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाएगा। और इस प्लाज्मोलाइट सेल में इन्होंने पहले पैक्टिनेज डाला तो आइसोलेटेड सेल रिलीज हुई, उसके बाद उन्होंने सेलुलोज डाला, फिर हमारा प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो गया और फिर हमें मिल गया हमारा आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म। तो ये था एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड। अब हमारा सेकंड जो स्टेप आता है, अब ये है हमारा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। हमने आइसोलेट कर लिया, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म मिला उसका फ्यूजन होगा। दो मेथड है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस्ड फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन दो तरह के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। जब हम आइसोलेट करते हैं तभी फ्यूजन हो जाता है, वो हो गया स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फ्यूजन, वो तीन तरीके से होता है, कीमो फ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन एंड इलेक्ट्रो फ्यूजन। कीमो फ्यूजन में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन के लिए। मैकेनिकल मतलब फिजिकल फ्यूजन होता है बाय यूजिंग माइक्रो मैनिपुलेटर और पैराफ्यूजन माइक्रोपेपिटी। इसकी हेल्प से हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं। द थर्ड वन इज इलेक्ट्रो फ्यूजन, इसमें हम फ्यूजन इंड्यूस कराते हैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट करा के। तो ये था हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन और इंड्यूस फ्यूजन। जब हम आइसोलेशन करते हैं तभी एकदम से रेंडमली हो जाता है फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट का। दो तरह के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंड्यूस फ्यूजन तीन तरह के हैं, कीमो फ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन एंड इलेक्ट्रो फ्यूजन। कीमो फ्यूजन में हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल फ्यूजन मतलब फिजिकल फ्यूजन, इसका हम यूज करेंगे माइक्रो मैनिपुलेटर और पैराफ्यूजन माइक्रोपेप्टिक का। और इलेक्ट्रो फ्यूजन में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक को स्टिमुलेट करेंगे। तो ये था हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। थर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। हमारा आइसोलेशन हो गया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया, अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, अब हम हाइब्रिड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम पेरेंटल सेल और हाइब्रिड सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि उनके पिगमेंट में क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्मिक मार्कर्स, उसका क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस को देखेंगे और न्यूक्लियर स्टेनिंग करेंगे। इसमें आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, डिफरेंस करेंगे पेरेंटल सेल्स और हाइब्रिड सेल के बीच में जो डिफरेंस है इन चार एस्पेक्ट्स को के बीच में। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई और सेलेक्ट करेंगे। तो ये था आइडेंटिफिकेशन। अब हम सेलेक्शन कैसे करेंगे हाइब्रिड की, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइडेंटिफाई हम हाइब्रिड को कैसे करेंगे, हम पेरेंटल सेल और हाइब्रिड सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उनके पिगमेंटेशन, उसका साइटोप्लाज्मिक मार्कर, उसकी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसका न्यूक्लियर स्टेनिंग। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए अभी हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, अब है हाइब्रिड को सेलेक्ट कैसे करेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, उसकी एंटीबायोटिक्स, उसका मेटाबॉलिक म्यूटेंट्स देखेंगे, क्रोमोसोमल का एनालाइज करेंगे और हर्बिसाइड्स। तो इस तरीके से हम हाइब्रिड को सेलेक्ट करेंगे। अब तक हमने आइसोलेशन पढ़ा, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कल्चर। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और दूर तक मेरी वीडियो जाए। अब हम करेंगे अपना कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल। फोर्थ है हमारा कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल। इसके लिए क्या चाहिए हमको, सुटेबल कंडीशन चाहिए। जब हम कल्चर करते हैं हाइब्रिड सेल को, उसमें सबसे मेन चीज क्या चाहिए, सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए। फिर इसमें क्या है,
रीजेनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट, सुटेबल मीडियम और सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है कल्चर करने के लिए हाइब्रिड सेल को। लास्ट है रीजेनरेशन। हाइब्रिड सेल से नए नए प्लांट को रीजेनरेट करना। ये इसका लास्ट स्टेप है जिसमें ये कहते हैं कि हमारी जो हाइब्रिड सेल है वो पार्शियली फर्टाइल होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो प्लांट है वो रीजेनरेट हो पाएगा। तो ये 5 स्टेप थे हमारे, आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेलेक्शन, कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल एंड रीजेनरेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड प्लांट। तो ये 5 स्टेप थे। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका एकदम से सॉल्यूशन दूंगी। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और चैनल को खूब सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।